जीजा से झगड़ा हुआ तो साला टावर पर चढ़ गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंच गई। करीब 2 घंटे तक ड्रामा चला। बाद में कुछ लोग टावर पर चढ़े और उसे नीचे उतारा। मामला एसपी के अशोक नगर जिले के मुंगावली का है। ईसागढ़ थाना क्षेत्र के परासरी गांव का रहने वाला कल्लू लोधी अपनी बहन के घर सीहोर गांव गया था। वहां किसी बात को लेकर जीजा से उसका विवाद हो गया। इसके बाद वो जीजा के घर से सीधे मुंगावली आया और यहां टावर पर 40-45 फीट ऊपर चढ़ गया। इतनी देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक लगातार सुसाइड करने की धमकी देता रहा। युवक का ये हाई वोल्टेज ड्रामा 2 घंटे तक चलता रहा। लोगों ने युवक से नीचे उतरने की काफी मिन्नतें की, लेकिन वह नीचे नहीं उतरा। कल्लू लोधी ने बताया कि मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लेने आ जाओ। मैं तो वहां गया था, उसने वहीं पर बीमारी कुटिया गांव वाले बड़े जीजा को भी बुला लिया। बहन को ले जाने के लिए कहा तो जीजा ने कहा मैं छोड़ आऊंगा। फिर हम वहां से चले गए और रोड पर आकर बैठ गए। वहीं पर जीजा और उसके परिवार वालों से गाली गलौज और विवाद हो गया। हम वहां से चलकर कुछ आगे पहुंचे तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, जिसमें बड़े जीजा घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए मुंगावली लाया था। बहन बोल रही थी कि रिपोर्ट कर दे, इसके लिए मैं सिहोरा के थाने पर भी गया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि क्या करूं। इस वजह से मैं गुस्से में आकर टावर के ऊपर चढ़ गया। युवक टावर के ऊपर चढ़ते वक्त अपने साथ रस्सी लेकर गया था। जैसे युवक के ऊपर चढ़ने की जानकारी प्रशासन को मिली तो SDM रवि मालवीय, नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां मौजूद सभी लोगों ने युवक से नीचे आने के लिए कहा और इसके लिए काफी मिन्नतें की, लेकिन वह उतरने को राजी नहीं हुआ। लगभग 2 घंटे तक लोग चिल्लाते रहे, लेकिन युवक नीचे नहीं उतरा। युवक मोबाइल टावर पर 40 से 45 फीट ऊपर चढ़ा हुआ था और वहां से सुसाइड करने की धमकी दे रहा था। मौके पर मौजूद लोगों को लगा कि युवक शराबी होगा, जो शराब नहीं मिलने की वजह से टावर पर चढ़ गया होगा। इस वजह से वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे शराब की बोतल भी दिखाई। अधिक ऊंचाई होने की वजह से 2 घंटे तक लोगों की जान हलक में अटकी रही। टावर से कुछ दूर युवक के रिश्तेदार रहते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि यह परासरी गांव का कल्लू है, तो उन्होंने उसकी बहन को फोन कर सूचना दी। घटना की जानकारी लगते ही बहन भी तुरंत मौके पर आ गई और भाई को नीचे उतारने के लिए मिन्नतें करती रही, लेकिन वह नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुई। युवक काफी देर तक नीचे नहीं उतरा और करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने युवक को बचाने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई और नीचे बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर तिरपाल को हाथों में पकड़ लिया, ताकि युवक गिरे तो उसे बचा सके। युवक 2 घंटे तक ड्रामा करता रहा, फिर लोगों को ऊपर चढ़ने का फैसला लेना पड़ा। वहां मौजूद पुलिस आरक्षक रविकांत पार्षद, हुसैन मोहम्मद, इकबाल जमींदार, राशिद खान, नगर परिषद कर्मचारी और राजकुमार अहिरवार की मदद से उसे उतारा गया और उसकी जान बच गई। पुलिस ने बताया कि युवक टावर पर चढ़कर सुसाइड करने की धमकी दे रहा था। उपद्रव मचाने, शांति भंग करने या कोई घटना नहीं कर ले, इस चक्कर में इसको जेल भेज दिया गया।